नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दुनिया ने ऐसा दौर कभी नहीं देखा था जब उसे यह हिदायत देनी पड़े कि मिलो जुलो मत, दूर से नमस्ते करो, सरहदों को सील कर लो, बंद कर लो दुकानें, मकानों के दरवाजे, मंदिर के कपाट, मस्जिद, चर्च के द्वार, दूर रहो एक दूसरे से ताकि स्वस्थ रहें सब। एक वायरस न जाने क्या क्या करवा कर दम लेगा। आंखें खोल कर देखो, कान खोल कर सुनो, बचाव ही इलाज है, चुनो बचाव को चुनो, वरना एक जरा सी लापरवाही सबको संकट से घिरा सकती है। एक वायरस, एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को बंद करा सकता है। लोग कहते हैं कि खांसने से ये बीमारी फैलती है, लेकिन अगर मैं जोर से बोलूं, जोर से गाऊं, जोर से चिल्लाऊं, या अपनी ऐसी एक्सरसाइजेस करूं जिसमें हवा बाहर निकलती है, या मैं बाजार में जाके गुब्बारे अपने मुंह से फुलाऊं और मेरे को बीमारी है, तो फिर मैं लोगों को ये बीमारी फैला सकता हूं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि 2 लोग 3 फुट के मार्जिन पर बैठें, पिक्चर हॉल में जाना है तो ऑल्टरनेट सीट के ऊपर में बैठें ताकि बीमारी ना फैले, 50 से ज़्यादा की गैदरिंग में आप ना जाएं। तो जिसको भी खांसी, जुकाम और बुखार है वो अपने आप से घर में बैठे। परेशान ट्रंप को देखो, चिंतित ट्रूडो को देखो, जूझते पुतिन को देखो, सोचते मोदी को देखो, इजराइल, जर्मनी, ईरान देखो, चीन, इटली, स्पेन में जाती जान देखो, खतरे का अलार्म बज रहा है, जाग सकते हो तो जाग जाओ, जागना ही जान बचा सकता है। कमबख्त वायरस का क्या है, एक वायरस पूरी दुनिया को बंद करा सकता है। Europe has now become the epicenter of the pandemic, with more reported cases and deaths than the rest of the world combined, apart from China. More cases are now being reported every day than were reported in China at the highest of its epidemic. ये संकट इतना बड़ा है और वैश्विक है, एक देश भी दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में सारे देशवासियों को इन दिक्कतों के बीच दृढ़ संकल्प के साथ इन कठिनाइयों का मुकाबला करने की भी आवश्यकता है। We'll continue all of these different actions. We have other things planned. We're going to also be working with companies that are affected financially. One of those things that happened. Nobody's fault. We all will solve this problem. We'll solve it well. I think the American people have been incredible. We can turn the tide within the next 12 weeks, and I'm absolutely confident that we can send a coronavirus packing in this country, but only if we take the steps. We all take the steps that we have outlined. दुनिया में फैलता डर देखो, सन्नाटे में डूबे शहर देखो, देखो अल्लाह का घर देखो, भगवान का दर देखो, इससे पहले कि आंख बंद हो जाए, आंखें खोलो, अपने मन को टटोलो, देखो कोई संक्रमित कहीं छुपा न रह जाए, उसकी वजह से सब पर मुसीबत न आ जाए, अपनी सतर्कता से तू ही है जो दुनिया को बचा सकता है, वरना एक वायरस, एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को बंद करा सकता है। हैंडशेक को अवॉइड करने से ज्यादा यू नो वी आर अवॉइडिंग स्प्रेडिंग द डिजीज, तो मैं तो उसको उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा कंसिडर कर। लेकिन सरकार की तरफ से पूरी एडवाइस जारी हुई है, इसलिए अपने आप सुरक्षा रखना जरूरी है, जैसे कि हाथ धोना, रुमाल, खांसी आए तो मास्क, ये जो एडवाइजरी जारी की हुई है उसके लिए कोई खतरा ऐसा नहीं है। आप सुरक्षा में रहो, डॉक्टर से कुछ सलाह मशवरा करके आप सफर करो। एक वायरस पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है, एक एक दिन में सैकड़ों जाने ले रहा है, इसकी जद में सिर्फ मैं, तू, ये, वो नहीं, अरे सब हैं। हम इससे लड़ पाएंगे तभी एकजुट हैं, वरना ये वायरस एक दिन सबको निगल जाएगा, फिर कौन बचेगा, कौन किसको बचाएगा। अभी वक्त है तो संभल जा, जरूरत है तो मास्क लगा, हाथ बार बार धो, महामारी को ऐसे तू, हाँ तू खुद
दूर भगा सकता है, वरना एक वायरस पूरी दुनिया को बंद करा सकता है। एक है कि हम भी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और जिसको कोरोना है वो अपना खुद प्रिकॉशन ले तो किसी को मतलब इतना डरने की जरूरत नहीं है। और हम लोग भी मास्क पहन रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जा रहे। गवर्नमेंट तो पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल जो होता है, तो हम लोग का कोई ये सावधान ना अवलंबन करना जरूरी है। नहीं, गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप उठाए वो अच्छे उठाए, और उसको प्रजा की भी चिंता कर रहे हैं, और सबको मास्क पहनने के लिए ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना चाहिए, और कोई भी तकलीफ होवे तो इमरजेंसी गवर्नमेंट सारवार दे, ऐसी सूचना और ऐसा मैसेज पास किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट रेडियो के जरिए, टेलीविज़न में जो एडवर्टाइज आ रही है, जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चलते गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रही है, एकदम प्रॉपर है। दुनिया ने यूं तो अनेकों वायरस देखे हैं, ज्यादा खतरनाक देखे हैं, ज्यादा खौफनाक देखे हैं, लेकिन छूने से फैलने वाला ये वायरस, इतनी तेजी से लोगों में फैलने वाला वायरस शायद ही देखा है। एक वायरस जिसने जीने का ढंग बदल दिया है। जिम्मेदार है जो तू तो अपनी जिम्मेदारी निभा, भीड़ लगने से रोक, खुद भी भीड़ मत लगा। देख, बच्चों ने पार्क में जाना छोड़ दिया है, स्कूलों ने क्लास लगाना छोड़ दिया है, अरे छोड़ दिया है लोगों ने सिनेमा में जाना, छोड़ दिया है लोगों ने पिकनिक मनाना। अब तेरी बारी है, हाँ तेरी, अब तेरी बारी है। सभाएं, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कुछ दिनों के लिए टाल दे, जैसे संभाल सकता है अपने लेवल पर वैसे मोर्चा संभाल ले। दिखा दे कि मानवता के लिए तू भी जिम्मेदारी निभा सकता है, दिखा दे कि इंसानियत के नाते तू भी हीरो बन सकता है। वरना याद रख, ये आखिरी सच्चाई है कि एक वायरस दुनिया को बंद करा सकता है। हमें अपना आंदोलन भी देखना है, क्योंकि हमने 3 महीने से लंबी लड़ाई लड़ी है अपने हक के लिए और संविधान को बचाने के लिए। एक कोरोना से डरकर हम घर में बैठने वाले नहीं है और आंदोलन छोड़ने वाले नहीं है। हमें बीमारी से डर नहीं है, मरना एक ही दफे है। हमें डर है तो ये काला कानून जो मोदी और योगी और अमित शाह लाए हैं, इससे हमें डर है और हम नहीं हट सकते। पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, आपको एड्रेस करना चाहिए आवाम के सवाल। जो ये औरतें हैं, इनको 19 लाख वो असम दिख रहा है, औरतें को सब जगह ये दिख रहा है, ठीक है। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इससे इसको कोरोना वायरस के नीचे घुसकर इवेड नहीं करना। भाई सबके लिए मैसेज, सबको सद्भावना दे, सद्बुद्धि दे, और कोई भीड़ इकट्ठा ना करके और आपस में इस प्रकार का वर्ताव ना करके, कोई राजनीति ना करके, आज जिस प्रकार का ये महामारी है उसमें सबका सहयोग चाहिए। एक वायरस अच्छे भले आदमी को बेबस बना देता है, एक वायरस दिन रात को लाचार कर देता है, एक वायरस आदमी को बीमार बना देता है। मताओ मेरे पास, रहने दो मुझे अकेला, लड़ने दो मुझे अपनी लड़ाई, कभी न कभी तो वायरस का गला घोटेगी दवाई। लेकिन अभी तो एक वायरस आदमी को बीमार बना देता है। I'm also pleased to report today that a vaccine candidate has begun the phase one clinical trial. This is one of the fastest vaccine development launches in history. ऊंची दुकान, फीके पकवान, बंद सारे मॉल, जिम, होटल और दुकान, बचो और बचाओ सबको, क्योंकि मेरा देश महान। शरीर में वायरस न लग जाए रहना सावधान, पर दिमाग वाला वायरस बिल्कुल ना आए, अपने लक्षण न छिपाएं, कुछ भी हो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। खांसी जुकाम जो लग जाए तो मास्क का करना इस्तेमाल, पब्लिक में अचानक छींक आए तो रख लेना मुंह पर रुमाल। तो मास्क जो है, दो टाइप के मास्क हैं, एक हम कहते हैं सर्जिकल मास्क और एक N95 मास्क। सर्जिकल मास्क सब लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है, पैनिक के चक्कर में सब लोग ये सोचते हैं कि हम जब भी बाहर जाएं हम मास्क लगा लें, घर के अंदर भी लोग मास्क लगा लेते हैं, लेकिन कोई डेटा ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि आपको मास्क लगाने से प्रोटेक्शन हो सकता है। अगर आपको जुकाम, नज़ला, खांसी है तो आप मास्क लगाएं, जिससे आपसे आगे इन्फेक्शन ना फैलें, और जब आप मार्केट में जा रहे हैं तो आप इन्फेक्शन को आगे फैलने से रोक सकते हैं। जो दूसरा वाला मास्क है, N95 वाला जो मास्क है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो हस्पताल में काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इन पेशेंट्स को क्लोजली हैंडल कर रहे हैं या कुछ ऐसे प्रोसीजर्स कर रहे हैं जिसमें उनको इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं।
न गले लगो न मिलाना हाथ, कोई परिचित आ जाए तो दूर से ही करना प्रणाम। गंदगी से दुश्मनी करनी है, स्वच्छता से करनी है यारी, दुनिया है सख्ते में पर हमें करनी है पूरी तैयारी। छूने से फैलता है ये, छींक खांसी के छींटों में लिपटता है, हाथ धो लो इससे, क्योंकि एक वायरस आदमी को बीमार बना देता है। उससे बचने एक ही तरीका है कि हम जो उस सरफेस से वायरस लगा है उसको अपने तक पहुंचने से बचाएं। उसके लिए हमें हैंड हाइजीन, हाथ धोना बहुत जरूरी है, बार बार हाथ धोते रहें। रेगुलरली अगर कहीं भी जाएं तो रेगुलरली अपने हाथ धोएं, हैंड वॉशिंग करना बहुत जरूरी है। लड़ो यारो, लड़ो 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 और लड़ो, तो ऐसे देश की तरह जो एक साथ हर दुश्मन से लड़ता है। उन लोगों से नहीं लड़ो जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, लड़ो इससे, सारे मिलकर लड़ो, क्योंकि केवल एक वायरस आदमी को बीमार बना देता है। दिन क्या हुआ था, कई फ्लाइट्स इकट्ठी आ गई थी, उसी दिन ये मैंडेटरी क्वारंटाइन की जो नया नियम था उस दिन लागू किया गया था। तो उस दिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ हमारे ट्रैवलर्स जो थोड़ी सी जिनका बिहेवियर ठीक नहीं है। किसके लिए हो रही है जांच? क्यों लगाई जा रही है ये पाबंदियां? क्यों मेल जोल पर लग रही है रोक? क्यों आपसे कहा जा रहा है कि लापरवाह ना हो? केवल इसीलिए क्योंकि आपकी सेहत है जरूरी और एक वायरस आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर सकता है। जाबाजी का जज्बा, रक्षा का तूफान, जय हिंद की सेना, जय हिंद के जवान, लोगों की जान बचाने के लिए दांव पर लगा रहे हैं अपनी जान, इसीलिए ये हैं एयरफोर्स के वीर महान। अरे कोई बोलता है कि क्यों जा रहे हैं ये, इन्हें भी कोरोना हो सकता है, जिंदगी भर का रोना हो सकता है, लेकिन वाह रे जवान, रखकर हथेली पर जान, फंसे हुए लोगों के बचा रहे हैं प्राण और दुनिया को दिखा रहे हैं कि वायरस जैसा भी हो हम हैं उससे बलवान। इसीलिए हम हैं हिंदुस्तान। वायरस से ऐसे लड़ना ही उसे हराएगा, वरना एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को बीमार बना जाएगा। सर, चीन में सिचुएशन से बहुत ही ख़राब थी, जैसे यहाँ पे तो हम अपनी लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डॉक्टरों को, लेकिन वहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये मेरा रियल की घटना थी जो इनके साथ हुई थी, तो आप इनसे बता सकते हैं? सर उस दिन हम लोग सो के ही उठे थे मॉर्निंग में 7 बजे, हमारा आटा ख़त्म हो गया था, तो हमने हेल्प मांगी थी किसी से क्योंकि फूड नहीं था। तो फिर अचानक से 7 बजे के टाइम में बहुत सारे डॉक्टर और पुलिस हमारे घर पर आ गए थे मॉर्निंग में, तो वो अचानक से फिर हमारा टेम्परेचर चेक करने लगे। मैं एसी मतलब होके उठी थी तो एसी के सामने बैठे थे जस्ट, तो मेरा टेम्परेचर बहुत मतलब शायद उस टाइम ज़्यादा था, उन्होंने 2-3 बार चेक किया, फिर उसके बाद हमें छोड़ दिया। लेकिन अगर वहाँ पे चाइना में उस टाइम पे ये हो रहा था कि अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे ज़बरदस्ती खींच के ले जाते थे घर से, तो वो बहुत डर लग रहा था और बहुत रोई थी मैं उस दिन। तो वहाँ पे बस ये लग रहा था कि अपने देश कब वापस जा पाएंगे, पता नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जैसे ही लॉकडाउन हुआ ऑलमोस्ट सारे शॉप्स एंड सारा जो भी यातायात थी वहाँ की वो बंद हो चुकी थी। रोड पे आपको एक भी इंसान या कोई भी व्हीकल भी नहीं दिखता था। तो हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहते थे डॉर्मेटरी पे, तो हम लोग डॉर्मेटरी के बाहर नहीं जा सकते थे, बस 1-2 हफ्ते तक तो नहीं जा सकते थे। फिर 1 हफ्ते में सिर्फ कुछ शॉप्स ओपन हुए थे, तब हमने ग्रोसरी वगैरह जो भी किचन का सामान है वो स्टोर करके रखा था। बाद में जब वो पूरे शॉप्स भी बंद हो गए तब यूनिवर्सिटी के लोगों ने हमको फूड एंड वाटर सप्लाई किया था, तो हम मतलब वैसे ही कैसे तैसे करके दिन निकाल रहे थे उधर। जिंदा रहना है तो इनका साथ दो, कुछ न कर सको तो भरोसे का हाथ दो। ये दिन रात जाग रहे हैं तो किसके लिए, ये भाग रहे हैं तो किसके लिए, ये सब किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या कुछ अपने नाम कर रहे हैं? कोरोना के खिलाफ जंग में ये सारे के सारे सैनिक हैं जिन्होंने ठाना है बचाना है, बचाना है हर किसी को, बचाना है, इनका जुनून है, एक दिन सबको बचाएगा, वरना एक वायरस हम सबको बीमार कर सकता है। हो
वुहान के जो नियर सिटी थी ईचांग, वहाँ की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। एंड यहाँ से जाने के बाद हमें बोला गया है कि नेक्स्ट 14 डेज के लिए आप जहाँ भी रहो वहाँ का एड्रेस हमें दो, और जो भी फ्यूचर में कुछ लाइक चेंजेस आए बॉडी में, जो भी हो हमसे कांटेक्ट करो। तो डॉक्टर्स ने यही कहा है कि सेल्फ आइसोलेशन में रहना है 14 दिन, और बाकी आपको हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन जो भी आप कर रहे हैं वैसा ही कंटिन्यू करना है, और क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है। हमें कहा गया है कि मास्क लगा के रखना है, और हमें एक साथ गैदरिंग नहीं करनी है, और खाना खा रहे हैं तो अलग अलग बेंचेस पे खाना है, अपने आप को सेफ्टी से रखना है। सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की है जिसका कॉन्टैक्ट हर जगह पे है। हम लोगों को भी पर्सनली हमारे सिविल हॉस्पिटल्स के जो सर्जन है उनका भी कॉन्टैक्ट आया है, यू नो, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है देन वी कैन डायरेक्टली उनको हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम लोग भी अभी सबको, मतलब सबको अभी इतना ही कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं हम लोग मतलब नहीं चाहते कि, जैसे चाइना में बहुत ज्यादा बीमारी फैल गई थी, हमारे यहाँ पे हम नहीं चाहते कि बीमारी फैले। जांच करने वाले लोगों को गुस्सा क्यों दिखाना, कुछ मत छुपाना, इन्हें सच सच बताना, तेरे झूठ से ये खुद बीमार पड़ने लगे हैं, खुद भी बच और इन्हें भी बचा, ये अभी है तो बच जाएगा तू, ये अभी है तो घर जाएगा तू, हालात बिगड़े तो कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि एक वायरस इंसान को इंसान से लड़वाएगा। हम इन्फेक्टेड हो या ना हो, अगर थोड़ा सा भी सिम्टम्स है हम में, या हम ऐसे कोई कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हैं जो COVID-19 पॉजिटिव कंट्री है, मतलब इफेक्टेड कंट्री है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम आके ये डिक्लेयर करें, ताकि हम, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ये वायरस क्या कर सकता है, इसमें ये कैसा म्यूटेट होकर कैसा स्ट्रेन हो सकता है इस वायरस का। तो जैसे किसी का अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो या किसी को कोई और बीमारी हो, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, एंड डेथ्स हैव हैपेंड एक्चुअली। तो जितना हमारा बनता है, हम हेल्दी है, ठीक है, हम यंग है, हमें लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ एक कफ है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप जाके स्क्रीनिंग तो करवाइए, आप टेस्ट तो करवाइए पहले, आप देखिए कि वेदर आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बात की बात है, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर पे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनका अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो या उनको तबीयत उनका खराब हो। आ जाएंगे फिर कभी, अभी दूरी बनाओ, समारोहों को भूल जाओ, दूर से ही रिश्तों को निभाओ, दूर से नमस्ते, दूर से हंसते हंसते, दूर से सुरक्षा, दूर से बचाओ, क्योंकि एक वायरस रिश्तों में भगदड़ मचा सकता है। एक वायरस पूरी दुनिया में कर्फ्यू लगा सकता है, एक वायरस पूरी दुनिया को सुनसान बना सकता है। जिधर भीड़ थी कल तक, उधर आज सन्नाटा है, जिधर रौनकें थी वहां वीराना है, न किसी का आना है न किसी का जाना है, हर तरफ बस इतना सा फसाना है कि एक वायरस पूरी दुनिया में कर्फ्यू लगा सकता है। To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of, very important, and a large amount of money for states and territories and localities in our shared fight against this disease. In furtherance of the order, I'm urging every state to set up emergency operation centers effective immediately. इंसान जब लाचार होता है, ईश्वर का ही सहारा होता है। अब आंखें मूंदो, हाथ जोड़ो और याद करो अपने अपने भगवान को, क्योंकि कपाट बंद है, द्वार बंद है, आस्था तो रहेगी हमेशा, पर मंदिर मस्जिद के दरों दीवार बंद है, क्या करें, एक वायरस दुनिया को बंद करा देगा। हम तो चाहते हैं कि भगवान से कि ये जो कोरोना वायरस है ना, ये थोड़ा कम हो जाए, उनसे दर्शन करने के लिए आए थे, और ये तो भगवान के पट्टी बंद कर दिए, अब क्या करें बताओ। आप जैसे देख रहे हो कि संपूर्ण शिरडी, यहाँ पे होटल है या छोटे मोटे दुकानें, इसके वजह से जो शिरडी बंद हुआ है, भक्तों का आना शिरडी में बंद हुआ है, तो उसी के कारण जो शिरडी का
सबका अर्थ संकल्प पूरा शिरडी का बिगड़ गया है। वो गेट ही वो ढुकने नहीं देता, गेट वो ढुकने ही नहीं दे रहा, पर वो खान नहीं देता। भागो भागो यार, भागो भागो। अल्लाह के वली है वो लोग चाहेंगे जिसको रखेंगे, वो लोग चाहेंगे जिसको निकालेंगे। उन लोग का आप बोल नहीं सकते, अब क्या बोला जाएगा, अब जो जैसा है वैसे ही स्वीकार करने होगा। सिनेमा घर बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, पार्क मनोरंजन, पर इस बंद में दिमाग को खुला रखो। किसके लिए ये होड़, क्यों महीनों का सामान खरीदने की दौड़, काहे की उठा पटक, किस बात का डर, ऐसा न हो कि एक वायरस हम सबको लड़वा सकता है। जो खरीदना था वो तो खरीद रहे हैं, इसके अलावा कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं इनकेस गवर्नमेंट ऑर्डर करे सारे सुपर स्टोर वगैरह बंद कर दे, तो जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट और इसेंशियल्स है उसी का खाली खरीदना, ऐसा नहीं कि बहुत करके स्टॉक करने का कोई है नहीं है। थोड़ा पैनिक तो है इस समय, हाँ। दवाइयों को मेडिसिन वगैरह को लेके और खाने पीने के सामान को लेके लोगों को ये है कि कहीं बाजार बंद ना हो। एसेंशियल्स खरीद रहे हैं कि 15 दिन तो चले सब अच्छा से, और यहाँ मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि मेट्रो के सारे कर्मचारी जो हाथ धुलवा रहे हैं, हमें सैनिटाइज करवा रहे हैं, इट्स रियली अप्रिशिएबल। जो स्टॉकेबल चीज़ है वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, सो दैट इन एनी केस कोई अगर लॉकडाउन टाइप की सिचुएशन हो गई तो थोड़ा हम लोग के लिए सेफ रहेगा। मार्केट में एक थोड़ा डर का माहौल फैल गया है, लोग बाग ज्यादा सोच रहे हैं कि एक दो दिन में दुकानें बंद होंगी, जबकि व्यापार मंडल वाले लोगों को समझा रहे हैं ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं। मैं देशवासियों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूँ कि देश में दूध, खाने पीने का सामान, दवाइयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ये सप्लाई कभी रोका नहीं जाएगा, इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड़ न लगाएं। मक्का में खामोशी है, वैटिकन वीरान है, टाइम्स स्क्वायर में सन्नाटा है, डिज्नीलैंड सुनसान है, खतरे में इंसान है, एक वायरस से पूरी दुनिया हलकान है, एक वायरस, बस एक वायरस पूरी दुनिया में कर्फ्यू लगा सकता है। अभी मुश्किल वक्त है, जल्द ही संभल जाएगा, हिम्मत रख, दिन फिर बदल जाएगा। ज्यादा जरूरी है कि सांसें न बंद हों, धड़कने न बंद हों, और ऐसे मुश्किल समय में हम हिम्मत बने एक दूसरे की। अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, पर जो संपन्न है वो दूसरों की मदद करें, मजबूरी का फायदा न उठाएं। एक वायरस को हम सब मिलकर हराएं। माना कि अभी व्यापार बंद है, दुनिया के कारोबार बंद हैं, होटल बंद हैं, हवाई अड्डे, सैलानी बंद हैं, नुकसान तो होगा लेकिन जान जरूरी है, इसीलिए घाटा भी अभी मजबूरी है। वायरस तो है जिससे पार पाना है, एक वायरस पूरी दुनिया में मंदी ला सकता है। निश्चित तौर पर ये महामारी ने देश के मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी क्षति पहुंचा दी है। संकट के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत, उच्च आय वर्ग से भी आग्रह है कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। वायरस खतरनाक है, चुनौती बड़ी है, जिंदगी के हर पल मुसीबत खड़ी है, बसों के पहिए, ट्रेन की रफ्तार थम रही है, काम धंधों की नब्ज जम रही है, असर पड़ रहा है, बजट बिगड़ रहा है, लेकिन जिंदगी का सवाल बड़ा है, सामने वायरस का संकट खड़ा है, थोड़ी मुसीबतों का सामना सबको बचा सकता है, एक वायरस को मिलकर ही हराया जा सकता है। इस वैश्विक महामारी का अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना महामारी से उत्पन्न हो रही आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, भारत सरकार के वित्त मंत्री के नेतृत्व में, फाइनेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में
सरकार ने एक कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स इसके गठन का फैसला लिया है। ये टास्क फोर्स ये भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाएं उन पर प्रभावी रूप से अमल हो। मुश्किल बड़ी है, कठिन परीक्षा की घड़ी है, ये वक्त इम्तिहान का है, इंसानियत और इंसान की पहचान का है। जो लड़ रहे हैं वायरस से उनको सलाम करो, हो सके तो अपने 5 मिनट उनके नाम करो। चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, हॉस्पिटल का स्टाफ हो, सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो, एयरलाइंस के कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, रेलवे, बस, ऑटो रिक्शा की सुविधा से जुड़े लोग हो, होम डिलीवरी करने वाले लोग हो, ये लोग अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। गली बंद है तो लड़ो मत, शहर बंद है तो अड़ो मत। तुम अकेले नहीं जिसके सामने सब बंद है। देखो कि पूरी दुनिया वायरस से लड़ने को लामबंद है। फ्रांस में सब बंद है, न्यू जर्सी बंद है, सैन फ्रांसिस्को बंद है, जर्मनी, कनाडा बंद है। तू जो चाहे तो जरा सी समझदारी से दुनिया को बचा सकता है। वायरस का क्या है, एक वायरस पूरी दुनिया में कर्फ्यू लगा सकता है। जो जरूरी ना हो उसे कुछ समय टाल दो। 60-65 साल के लोगों की सेहत पर ख्याल दो। बचो अफवाहों से, गलत जानकारी से, न सुनो न फैलाओ ये, क्योंकि एक वायरस अफवाहों से और मजबूत हो जाता है। इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको और बीमारी कोमॉर्बिडिटीज हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनमें ज़्यादा सीवियर निमोनिया हो सकता है और उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हमें प्रिकॉशन पूरे रखने हैं, तैयारी रखनी है कि अगर ऐसे केसेस हमारे देश में एकदम आने लगें तो हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह से तैयार रहें। जो चीज़ें करनी चाहिए वो ये हैं कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल जो है वो कुछ दिनों के लिए हम पोस्टपोन कर दें। दूसरा ये कि क्राउडेड एरिया में अगर ज़रूरी नहीं है जाना तो ना जाएं, लेकिन अगर मार्केट में जाने की ज़रूरत है तो हम ज़रूर जाएं, अपना डे टू डे काम तो करना ही है। और दूसरा ये कि रेगुलरली अगर कहीं भी जाएं तो रेगुलरली अपने हाथ धोएं, हैंड वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो हम रेगुलर हैंड वॉशिंग करें। अपना अगर खांसी है तो रुमाल के अंदर खांसे या अपने बाजू में खांसे। और अगर हमें बुखार, जुखाम, नज़ला जैसे कोई लक्षण हैं तो घर पे ही रहें, बाहर ना जाएं। आज की सावधानी कल की जिंदगी है। इस वक्त वायरस से लड़ाई ऊपर वाले की सच्ची बंदगी है। माना कि एक वायरस दुनिया को डरा सकता है, लेकिन सच ये भी है कि भारत इस वायरस को हरा सकता है। हिंदुस्तान के सामने चुनौती बड़ी है। 135 करोड़ की आबादी और वो भी घनी है, पर देश ने शुरू से ही सतर्कता बरती है, विश्व को रास्ता दिखाया है, सार्क देशों से विमर्श किया है, क्योंकि एक वायरस से मिलकर ही लड़ा जा सकता है। 130 करोड़ देशवासियों को अपना संकल्प और दृढ़ करना होगा कि हम
इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने में लगी है, अर्थव्यवस्था को ताक पर रखकर लोगों की जान बचाने में जुटी है, लेकिन पाकिस्तान है ऐसा देश इकलौता जिसे महामारी से न कोई लेना न देना, ये एक देश एक वायरस को मजाक बना रहा है। एक वायरस इंसानों में हड़कंप मचा देता है, लेकिन एक देश के आगे वो वायरस भी चकरा गया है। कि हमारे अपने प्यारों को जो कि चीन में हैं, उनके हक में ये सबसे बेहतर है, और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द रीजन आवर कंट्री वर्ल्ड, कि हम उनको इस वक्त एवैक्यूएट ना करें। यही आलमी इदारा सेहत भी कह रहा है, यही चीन की पॉलिसी भी है, और यही हमारी पॉलिसी भी है। वो लड़ नहीं रहा अपनी लड़ाई, अजीब फंडों से दबा रहा सच्चाई, कहता है बंद नहीं करेंगे शहर, घर से निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो, क्योंकि इंसानी जान से बढ़कर है रुपया, कोरोना से मरो या गरीबी से क्या फर्क है भैया, वायरस तो अब कर रहा है दुनिया को बीमार, पाकिस्तान तो इससे पहले से ही था लाचार, और अब ये एक वायरस पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा रहा है। याद करो वुहान का वो मंजर, फंसे हुए स्टूडेंट्स गुहार लगा रहे थे दर दर, भारत निकाल लाया अपने सभी लोगों को, पाकिस्तान ने कहा तुम तो खुदा के हवाले। जो आप ये लोग देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए, ये इंडियन स्टूडेंट्स हैं, और ये बस इनको यहाँ से लेने आई है जो इनकी एम्बेसी की तरफ से भेजी गई है। ये वुहान की एक यूनिवर्सिटी में ये इंडियन स्टूडेंट्स जो है इनको यहाँ से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा इस बस के जरिए, और वहां से इनको इवैक्यूएट किया जाएगा इनके घरों तक। तो बांग्लादेश वाले भी आज रात यहां से इवैक्यूएट किए जाएंगे। एक हम हैं पाकिस्तानी जो यहां पर फंसे हुए हैं, जिनकी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप वहां पर जिंदा रहो, मरो, जियो, कुछ भी हो, आपको इन्फेक्टेड होते हो जाओ भले, हम आपको ना तो इवैक्यूएट करेंगे ना फैसिलिटेट करेंगे। शेम ऑन यू पाकिस्तान गवर्नमेंट, कुछ सीखो इंडिया से, कुछ सीखो कि वो अपने लोगों को किस तरह ख्याल रखती है। लेकिन इनके बारे में सोचने के लिए वक्त है किसके पास? एक वायरस आदमी को क्या से क्या बना रहा है? ये वायरस जिसका गंदगी में घर है, संक्रमण में बसेरा है, इसकी पहचान ये है कि ये न तेरा है न मेरा है। ये वायरस लाचार बना देगा, बीमार बना देगा, कसम खाओ अपने शरीर को ढाल बना लोगे, हाथ को सफाई की तलवार बना लोगे। माना आज बहुत परेशान हो, माना इतनी बंदिशों में हैरान हो, बेचैन हो, पर लगे रहो हिम्मत से, हम लड़ेंगे, ये हारेगा, अभी ये ताकतवर है, पर हम सब की जागरूकता से एक एक वायरस हारेगा। एक वायरस न जाने हम सबको कितना और कब तक परेशान करेगा, लेकिन इससे लड़ने का तरीका यही है, इससे जीतने का तरीका यही है। अभी के लिए इतना ही।